तकरीबन 200 मरतबा ये ऐलान हो चुका है, बार बार आपसे कहा जा रहा है। अभी तो 12:20 होने को है और मजमे में जो कैफियत नजर आ रही है, इसमें तो कलाम सुनाने की हिम्मत टूट रही है। नाज़िम जलसा ने बहुत अलग अलग तरीके से आप पर वार किया, आपने उसे कबूल भी किया, मगर अभी भी बिखरे बिखरे लोग हैं। मैं एक इस बिखरने पर एक मतलब मैं कभी पढ़ा करता था कि काश के ये बिखरे हुए लोग एक धागे में पिरो जाए। एक मतलब हाजिर करता हूँ, जिनको जिनको भी अच्छा लगे वो थोड़ा सा ये जो बीच में मैदान और फिर बाद में फिर आबादी, फिर मैदान, फिर आबादी, इसको थोड़ा सा बना दीजिएगा। मैं तो पढ़ दूंगा मगर आने वाला खतीब देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आइए एक मतले से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ, इस मजमे की नजर करता हूँ, मतलब मुलाहजा फरमाना। के टूट कर सुनिएगा, देखिए कहां से शुरू कर रहा हूं। कि टूट कर बिखरे हुए कर बिगड़े हुए, टूट कर बिखरे हुए मोती मोती मोती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ जाइएगा तो एक दो लोग बढ़ जाइएगा। कि टूट गए बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, टूट गए बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, जिनका रब है एक उनको एक होना चाहिए, जिनका रब है एक उनको एक होना चाहिए। माशाल्लाह, कुछ लोग अभी शरीफ हो गए हैं, जज़ाकअल्लाह जो आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तेक़ामत अता फरमाए। और कमेटी के हज़रात अभी रोक दीजिए, हो सकता है कुछ लेकर के आए और आपको अब पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। टूट कर बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, जिनका रब है एक उनको एक होना चाहिए। अब शेर पेश करता हूँ, बहुत ही अजीब सा शेर है, मुलाहिज़ा फरमाए। बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, जिनका रब है एक उनको एक होना चाहिए। करीमुल्लाह साहब, एक होना चाहिए कौम मिल्लत की बका के वास्ते इस दौर में, कौम मिल्लत की बका के वास्ते इस दौर में, कौम मिल्लत की बका के वास्ते बच्चा बच्चा हाफिज़े कुरआन होना चाहिए, बच्चा हाफिज़े कुरआन होना चाहिए। माशाल्लाह, तीन बुजुर्ग
पीछे से लेकर आगे तक यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी साहब एक मतलब बहुत अजीब सा मतलब हाजिर करता हूँ, आपकी फरमाइश और इन बच्चों की फरमाइश जो है मैं पूरी करूंगा, मगर एक मेरी ख्वाहिश है कि इस मसले को पढ़ लूं। इंशाल्लाह हो सकता है कि ये मजमे में जो पसमूदगी नजर आ रही है ताजा दम हो जाए। शरीक हो जाइएगा, कमेटी इनके जिम्मेदार यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मुलाहिजा फरमाए, मेरा मुकद्दर बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप हाथ ऐसे दिखला दीजिएगा तो मैं चेंज कर दूंगा, मगर इंसाफ कीजिएगा। मुलाहिजा फरमाए कि मेरा मुकद्दर, मेरा मुकद्दर हो खारे तैबा, मेरा मुकद्दर हो खारे तैबा, यही खुदा से दुआ करूंगा, मेरा मुकद्दर हो खारे तैबा, यही खुदा से मैंने हाजिर किया, मगर आपने थोड़ी सी कंजूसी की। खारी साहब उसमें आप भी शरीक हैं और ये लोग भी शरीक हैं, सब कंजूसों की नजर से अल्लाह बचाए। ये मतला हुस्ने मतला का मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए के नबी के रोजे, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, के नबी के रोजे से दूर रह कर करूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, नबी के रोते से दूर रह गए करूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, नबी के रोते का सहारा लिया। अल्लाह करे वो शेर तक आपकी रसाई हो जाए। पेश करता हूँ सुब्तर खास मुलाहिजा फरमा ले के मोहम्मद अहमद।
तवज्जो चाहूंगा कारी साहब, आपका साहबजादा माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ रखता है, उस बच्चे के हवाले से बड़ा प्यारा शेर के मोहम्मद है, मोहम्मद है